एक पुरानी कहानी है, बहुत शानदार। तो वो एक कौवा था, और कौवे को तकलीफ क्या थी जानते हो? तो दोस्त, कौवा का रंग क्या होता है? काला। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था यार, क्या बात बताई मुझे तुमने। धन्य हो गया मैं, प्रभु तुम्हारे चरण का है मैं दूं। तो कौवा काला था, मजा आया सुन के। तो साधु निकले, साधु के गाल पर एक मोती टपका पानी का। तो साधु ने चेहरा उठा के ऊपर देखा, कौवा रो रहा था। साधु ने बोला, रोता क्यों है? उसने बोला, रो नहीं तो क्या करूं, ये जीवन है तिया, काला बनाया रंग नहीं है। साधु ने बोला, खुश नहीं है? बोला, बिल्कुल नहीं। क्या तकलीफ है? बोले, तकलीफ ही तकलीफ है। जिसके भी घर पे बैठो, काव काव करो, लोग उड़ाए, कोई पालता है हमको? आज तक आपने देखा किसी को? कौवे को पाल कर खाना खिलाया, दो रोटी खिलाई, श्राद्ध पे काम आता हूँ? बोले, जूठा खिलाते हैं मुझको, और तुम बोलते हो क्या बनाया, ये क्या बनाया मुझे? साधु बोला, क्या बनना चाहता अगर दोबारा मौका मिले? बनाता हूँ, चल आज। तो कौवा बोले, अगर जिंदगी में दोबारा मौका मिले तो हंस बनना पसंद करूंगा, क्या जबरदस्त सफेद रंग, शांति का प्रतीक। साधु ने बोला, आज बनाया तुझे हंस, लेकिन एक वादा है, जाकर एक बार हंस से मिला। उससे मिल के तो आ, वो भागा भागा गया। हंस भाई, क्या मस्त रहता है ना तू, क्या मस्त रंग तुझे भगवान ने दिया। हाय हाय हाय, पानी में पैडल मारता है, किसी को पता ही नहीं चलता कि चल रहा है, क्या सफेद सफेद रंग, अपन का देख कितना ब्लैक ब्लैक, कितना खुश रहता होगा ना तू। हंस बोले, कौन बोला रे तुझको? वी नॉट हैप्पी, वी नॉट एट ऑल। बोले, तुझको क्या तकलीफ? बोले, रंग से, सफेद रंग, मौत के बाद का रंग है ये। लोग तस्वीरें खींचते हैं पानी में मेरी, यार पता ही नहीं चलता पानी की खींच रहे हैं या मेरी खींच रहे हैं, सफेद में सफेद मिल जाता हूँ, फोटो में तो आता ही नहीं किसी की तो, ये कोई रंग है? बोले, खुश नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो दोनों है बाबा, मामला गड़बड़। तो बाबा हंस से पूछे, तेरे हिसाब से बता क्या बनना चाहिए? बोले, महाराज एक मौका दे दो बनने का। बोले, क्या बनना चाहता है? बाबा, पैरट बना दो, क्या चोंच है, क्या रंग है, लोग पालते हैं उसको, मिट्ठू मिट्ठू बुलाते हैं, बोलता है, अरे बना दो बाबा। साधु बोले, बना दूंगा, लेकिन एक शर्त, जाके एक बार मिल आ। भागे भागे पैरट के पास गए। अब एक जंगल में एक पेड़ के पास बहुत सारे तोते रहते थे। अब वो तोते ढूंढ रहे, तोते कहाँ हैं, तोते कहाँ हैं, तोते कहाँ हैं। उस पेड़ के तीन चार चक्कर लगाए, फाइनली तोता मिला। तोता भाई, अरे मिट्ठू मियाँ, क्या मस्त जिंदगी है, क्या रंग है लाल लाल, सुर्ख तेरे चोंच की तो पूछो मत, क्या तेरे जिस्म, क्या तेरा पर, लोग तुझे पालते हैं, अरे तुझे क्या क्या नहीं कराते, आहा, बादाम तक लोग तुम्हें खिलाते हैं, काजू, क्या क्या नहीं खिलाते। बोला, क्या मस्त है तेरा जिंदगी। तोता बोला, कौन बोला रे तुझको? बोला, तू भी कुछ नहीं। बोले, बिल्कुल नहीं। बोले, तुझे क्या तकलीफ? तकलीफ ये है बेटा कि तुम चार चक्कर लगा के हरे में हरे दिखता नहीं था मैं तुम्हें, ये कोई रंग है, पेड़ में मिल जाता हूँ। तो तीनों आए महाराज के पास। महाराज बोले, बता भाई तोते। बोले, महाराज एक मौका दे दो हमें, वो बना दो बस वो। तो बोला, क्या बनना चाहता है? पीकॉक। बोला, पीकॉक बनना चाहते, क्या नेशनल बर्ड है हमारा, क्या मस्त रंग है। महाराज बोले, तीनों को बनाता हूँ अभी, लेकिन शर्त वही है, एक बार जाके पूछा उससे। अब तीनों भागे भागे गए मोर ढूंढे, और मोर के पास जाकर बोले, मोर क्या जिंदगी दी है ईश्वर ने तुझको, देख तेरे पंख जब खुलते हैं ना बाबू, लोग इंतजार करते हैं, उसका तस्वीरें खींचते, नेशनल बर्ड है तू, तेरे नाचने के इंतजार में जब घटा बरसती है, जब तू नाचता है दीवाने हैं लोग, तेरी तस्वीरें लेते हैं, एक घंटे इंतजार करते हैं लोग कि कब मोर नाचेगा, घटा बरसेगी और कब हम तस्वीरें खींचेंगे। मोर बोला, कौन बोला रे तुझको? बोला, तेरे को भी तकलीफ है? बोला, बहुत तकलीफ। मोर ने बोला, ध्यान से आवाज सुन, आवाज कान लगा के सुन, आवाज आ रही है सुन, अब और ध्यान से सुन, ये आवाज पास ही है, पास आ रही है आवाज धीरे धीरे। हाँ, क्या है ये, कौन है ये? बोले, ये शिकारी है, एक बार माँ और मैं घूम रहे थे, इन लोग आए और माँ को मार डाला, एक एक पंख नोचा गया उसके जिस्म से, और पूरे शहर में देश में बेचा जाएगा और लोग अपने घरों में लगाएंगे, ये कोई जीवन है, क्यों बनना है तुम्हें, मोर मत बनो। उसने बोला, कुछ नहीं है भाई। बोले, अगले घंटे का पता नहीं कैसे खुश रहूं। उसने बोला, तेरे हिसाब से क्या बनना चाहिए और कौन सबसे खुश है? तो मोर ने कौवे से बोला, तू। तो कौवा बोला, मैं कैसे? तो मोर का जवाब सुनिए दोस्त, ध्यान से। मोर ने कौवे से कहा, तूने मटर बिरयानी सुनी? बोला, हाँ। चिकन बिरयानी सुनी? बोला, हाँ।
अब ये बता, क्या तूने कभी कौवा बिरयानी सुना? बोला नहीं। क्या तुझे किसी से जान का खतरा है? बोला नहीं। कोई तुझे मारेगा? नहीं। तुझे किसी से तकलीफ? नहीं। किसी को तुझसे तकलीफ? नहीं। वो मस्त जी रहा है पगला, और मुझे तो अगले घंटे का पता नहीं, तो मोर से बढ़िया कौन? दोस्त, तुम्हारे जैसा आदमी भगवान ने दूसरा नहीं बनाया। अगर कभी मिल जाए ना, तो फिर शक होगा तुमको कहीं और, तुम्हारे जैसा आदमी कहीं नहीं नहीं है ना यार। यू आर यूनिक, डोंट कंपेयर यूर सेल्फ। कभी जिंदगी में अपनी तुलना मत करना किसी के साथ, कंपैरिजन में बहुत बड़ी तकलीफ होती है सर, तो ध्यान रखना दोस्त ये बात।